शो कर दो। यार सुन, मैं इस घर की काम वाली बाई नहीं लगती। वो तो आप बोली है ना, मतलब आपको लगना चाहिए इन्फ्लुएंसर। गुनु आराम से छोटी लेना। कुछ लोगों को मेरी इस चीज से प्रॉब्लम थी या है कि मैं प्रमोशनल वीडियोस क्यों डालती हूँ। गाइस पता नहीं कौन से यहाँ पे तथ्य आ गए और मैं इधर ही साइड में लेटी हूँ। पापा प्लीज इसे डरा के मत करना, अभी मारूंगी लाइटर दोबारा। इसे छोड़ रहे हैं, इनके कच्चे पट जाएगा फिर भागेंगे। अब मुझे लग रहा है ये सारे हमारे एसी में से आ रहे हैं। नहीं मम्मा, पता है दो ततैया घर के अंदर बना कैसे मिल सकते हैं एक ही टाइम पे। मम्मी ने एक ततैया फिर से घुसवा लिया यार। रुको मम्मी, रुकना। हीरोइन मत बन, तूने पीला पहन रखा है। तू हट जा पीछे, रुक जा। मम्मी धीरे से उसके पास मांग के इंतजार मत कर देना, इसे शो कर दो। मम्मी में चिपटा पड़ा है। नहीं देख रही है मम्मी, कच्चे में चिपटा पड़ा है। कपड़े मुझे ढूंढने पड़ते हैं, कपड़े मिलते नहीं, फिर मैं इन्हीं टी शर्ट में जाती हूँ। अब जाओ आप, टी शर्ट ले लो प्लीज, मुझे पसंद है। ये वाली मेरी पैंट है, इसको भी प्रेस कर दो प्लीज। पापा, हम पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे घर के कपड़े प्रेस करना। कह रही मेरी मूछे आ रही, मेरी दाढ़ी बना दो। अरे हट जा। पापा ना हमारे वाली चीज कर रहे हैं, हम जो प्रेस मार देते हैं। मम्मी अपना चुपचाप ना ठसे में देख, स्किन केयर कर रही है इतने सारे प्रोडक्ट्स का। क्या हो गया? आप मम्मी ऐसे बॉडी को क्या देख रहे हो? ऐसे लग रहे हो कि मैं तुम्हारी मम्मी थी और मैंने अपने दोनों बच्चों को एक काला पहना दिया सफेद और सिलवा के, और वो भी सिलवा के। सुनो ना गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं पापा के साथ और ये पूछ रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं। इनको पता है वहाँ जाके कूदते हैं, पर ये नहीं पता कहते क्या है। पापा क्या कहते हैं, थोड़ा गैस। रामबिलीन रामबिलीन नहीं है वो, ट्रैम्पोलिन। पुलिस बोलते हैं ट्रेन को हिंदी में। ये तो खैर मुझे पता था, मुझे भी पता। और रेलवे स्टेशन को क्या बोलते हैं? स्टेशन। बस स्टेशन तो इंग्लिश का वर्ड है, बता। वो पथगामिनी विश्राम स्थल। आपने टॉयलेट को हिंदी में क्या कहते हैं? टॉयलेट को हिंदी में क्या कहते हैं? मूत्रालय। वो मूत्रालय भी कह सकते हो, शौचालय भी कह सकते हो, और पेशाबघर भी। पेशाबघर, पेशाबघर होता है। पापा वैसे आप पता है ऐसी बन के जाओगे छिपकली सी। पापा बहुत घोड़ी लग रही हो ना, ऐसे उछलती घोड़ी लगोगे। पापा ऐसे करो, ये है मेरी टी शर्ट। पापा करो ना, करो ऐसे। ये है मेरी टी शर्ट, ऐसे नहीं करना। ये है मेरी टी शर्ट, दिखाई नहीं दे रहा। बोलना पड़ता है, ये मेरी अंधे। इन्हें बोल दो अगर लेट हो गए तो हम नहीं आएंगे। पापा मैं रेडी हो चुकी हूँ, अच्छे से रेडी नहीं हुई, अभी मेकअप वगैरह करना बाकी है। बट आउटफिट में यार, क्योंकि ट्रैम्पोलिन जा रहे हो, मैं चाहती हूँ बहुत सिंपल कपड़े पहनूं, तो मैंने शर्ट पहनी है और नीचे ये वाली जीन्स पहनी है। ऐसे जगहों पे जाने के लिए मुझे बहुत कंफर्टेबल कपड़े चाहिए, थोड़ा सा टच अप कर लेती हूँ बस। अच्छा एक चीज मैं और सोच रही थी कि कुछ लोगों को, सभी को नहीं, कुछ लोगों को मेरी इस चीज से प्रॉब्लम थी या है कि मैं प्रमोशनल वीडियोस क्यों डालती हूँ या मैं प्रमोशन के लिए क्यों कर रही हूँ। कुछ लोग लिख रहे हैं कि ये पैसे कमाने के लिए कर रही है अब, या कुछ लोगों को ये लग रहा है कि पहले आप खुद तो यूज कर लो। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी कि ऑब्वियसली आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत प्यार किया है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे इतने सारे लोग प्यार करते हैं। पहली चीज तो ये यार, मेरी फैमिली में भी अर्न करने वाले मैं और मम्मा ही हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कुछ चीजें अपनी कभी भी किसी से शेयर नहीं की, और उसके बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी होती है, गुन्नू को आगे पढ़ाना, घर का रेंट, हजार चीजें होती हैं। सिर्फ अपने पैशन के लिए यूट्यूब करती रहूं और मेरी मम्मी को इवेंचुअली मैं सपोर्ट ना करूं, दैट इज नॉट फेयर। लोगों को चाहिए भी कि मैं डेली व्लॉग करूं। कुछ लोग मुझे ये बोल रहे हैं, पता नहीं हफ्ते में एक बार वीडियो डालती है और कहां बिजी रहती है, पता है एक वीडियो को बनाने में कितना टाइम लगता है, पूरे दिन वीडियो बनाओ, उसके बाद एडिट करो, उसके बाद पोस्ट करो, इसके अलावा टाइम बचता नहीं किसी और पैशन को फॉलो करने का। तो ऑब्वियसली अगर मुझे इसको फुल टाइम लेके चलना है और मैं प्रमोशन वीडियोस डाल भी रही हूं, तो इसमें गलत क्या है? मुझे भी तो इवेंचुअली
एक्चुअली अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। मेरे को कितने सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं कि हमें यूट्यूब चलाना है। मैंने ये बात नहीं बोली आज तक, लेकिन मैं खुद उन लोगों को अपना नंबर देती हूँ कि यार कोई भी प्रॉब्लम, काफी सारे कॉन्टैक्ट्स मेरे पास ऐसे हैं जो मेरे खुद के सब्सक्राइबर्स हैं कि मैं उनके डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ, मैं एक्चुअली उनको हेल्प कर पाऊँ। और पता है जितने भी ब्रांड्स होते हैं मेरे को मंथ के स्टार्टिंग में मिल जाते हैं, चाहूँ तो मैं स्टार्टिंग में उनको पोस्ट कर सकती हूँ, बट रीजन ये होता है एक डेढ़ हफ्ता उसको अपने चेहरे पर लगा के टेस्ट करती हूँ कि कहीं उससे पिंपल्स एक्ने कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। और ना जाने कितने ऐसे ब्रांड्स हैं जो अच्छा भी पे कर रहे थे, मैं उन ब्रांड्स का नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट उनके साथ मैंने कोलैबोरेशन इसीलिए नहीं की क्योंकि जब मैंने टेस्ट किया तो मुझे पता चला कि वो प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है। हमेशा बोलते हो मेरे बातों पे ध्यान मत दो, किसी भी इन्फ्लुएंसर की बात पे ध्यान मत दो, पहले कोई भी सामान खरीदो पैच टेस्ट करो कि वो आपकी स्किन के लिए सूट कर रहा है नहीं कर रहा। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे जिनकी मैं प्रमोशन करती हूँ वो मेरी स्किन पे सूट करते हैं, तो इसीलिए मैं प्रमोट कर रही हूँ और मैं लगाती भी हूँ फुल टाइम। अगर इसमें दे रही हूँ और मैं प्रमोशन वीडियोस भी डाल रही हूँ खुद से टेस्ट करके कि वो ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी गलती है। इस चीज के लिए तो इतना ही बोलूंगी, बाकी जो मुझे प्यार करते हैं सपोर्ट करते हैं उन लोगों को मालूम है, स्पेशली जो लड़कियां हैं जिनको पता है घर कितनी मुश्किलों से चलता है या कितनी सारी चीजें आती हैं घर को संभालने के लिए। मैं खुद इतनी बड़ी नहीं हूं, मैं भी 22 साल की हूं और उसके बाद सारी चीजें, मैं नहीं कहूंगी मैं सब कुछ संभाल रही हूं, मेरी मम्मी का बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है हर एक चीज में, बट हाँ ऑब्वियसली अगर मैं उनको सपोर्ट नहीं करूंगी तो फिर मैं क्या अच्छी बेटी हूँ। तो गुलीज हम लोग तैयार हो चुके हैं, गुनु भी रेडी हो चुकी है, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और आपने मेरा देखे यार मैंने गेट रेडी विद मी नहीं बनाया, शिट। तेरा ब्लैक और मेरा व्हाइट, सारे ब्लैक एंड व्हाइट में हो रखा है। और अभी फटाफट से चलते हैं यार, ये पता है मियाँ बीबी ना अपनी बातों में लगे रहते हैं, तुम्हें दिख नहीं रहा यहाँ पे व्लॉग बन रहा है। पापा और मम्मी आप एक्साइटेड हो अभी जाने के लिए ट्रैम्पोलिन? चल हमें लग रहा है मिस ना हो जाए। पापा आप हो एक्साइटेड? कुद्दे मारने की जगह पे आपको पसंद नहीं है क्या जाना? और कोई अगर आपसे पूछेगा अब क्या बताओगे? अब तो आपको नाम में याद करवा दिया हमने, बताओ। पापा चंपक दीन थोड़ी ना है। अभी हम लोग बहुत सारा कुछ करेंगे आज, खाना पीना भी बाहर से खाएंगे, और वैसे तो हम आइसक्रीम भी खा सकते हैं बाहर से, नहीं तो सारी जगह अनियन गार्लिक होता है कुछ नहीं कर सकते। पूरा गेटअप अपना नीचे उतर के दिखाऊंगी तुम लोगों को। आइसक्रीम पापा खाओगे आप? मैं उसको हिंदी बोलती हूँ, मदर डेरी वाली, मदर डेरी वाले भैया, मदर डेरी वाले भैया। भैया मेरे लिए 25 वाली जो रबड़ी है वो, मेरे लिए भी रबड़ी कुल्फी, मेरे लिए भी। पापा तुम लोग ना मेरी हीरस मत किया करो, कोई यार अलग लो यार। मम्मी सुनिए, दूसरे वाले से भी कुछ ले लो यार, उसको बुरा लगेगा कि उससे नहीं ली। हाँ मम्मी एक आइसक्रीम उनसे ले लो, बल्ला ही ले लो चाहे पांच वाला। पागलपंती की बात है, दूसरों का मन रखना चाहिए, तू इनसे ले ले मैं उनसे ले लेती हूँ, चाहे पांच वाला बल्ला ही ले लो। एक पांच से क्या होगा उनका? अरे ऐसे नहीं होते माले, पूरी एक मुझे दिला दे तुमसे, हम तो नीचे लेंगे। बताओ भैया एक एक्स्ट्रा मुझे दिला दे, उनसे दो दे दो मेरे को, बस दो चाहिए अभी, ठीक है ना? थैंक यू भैया। हम और वाले भैया ये लोगे पापा, अभी भी कुल्फी भी है ना आपके पास? कितने की है वो? 60 का है, 50 का है, कुल्फी हंस रहे हो पापा, 60 का सुनते कह रहे वही दे दे, कुल्फी 25 वाली है ना, फिर वो दो ला दो। तो भैया पहले 60 की बता रहे हो, फिर मैं अगली बार आऊंगी भी नहीं। मम्मी ऐसे नहीं बोलते, वो तो अपने उससे बताएंगे यार, मम्मी है ना इंडियन मॉम्स बी लाइक, 60 की कुल्फी 10 रुपए में दे दे, और खानी भी वही अच्छी वाली कुल्फी खाऊंगी। पापा आपका थोपड़ीज नहीं दिख रही, पापा अरे लो ना, अरे अरे लो ना, अरे सच्ची कह रही हूँ पापा लो ना। पापा बहुत गंदे मौत के साइड में ऐसे लिटा देंगे। मम्मी इधर सुनो, एक बाइट ले लो, वही करूंगी। ये तो अपनी छिलते रहो, मुझे दे। ये तुम्हें क्या लगता है बच्चे हैं ये दोनों? वो बड़े हो गए हैं दोनों, ये हमसे भी ज्यादा वो है हमारी आइसक्रीम। आप तो रहने दो, अभी मेरी मत जब मांगोगे ना अभी मांग लेगी खुद ही, 2 मिनट रुक तो जा, इनके असलियत पता चले। मुझे कौन सी दिला रही तूने? शाही कुल्फी देखियो बहुत अच्छी, छोटी छोटी हमें दुआ दीजिए चलेगी मेरी, शुरू भी नहीं करेगी। और अगर तूने अपना काम देखो यार, अच्छा चलो वैसे छोटी है, दिला दूंगी। चलो ठीक है आओ मम्मा, गुनू आराम से छोटी लेना, मैं तो छोटी लूंगी। मम्मा प्लीज, मम्मा मुझे नहीं दोगी? काम ऐसा करो दूसरी वाले का भी बिगड़ जाए। मैं छोटी हूँ थोड़ा सा दे दो, छोटा ले लो, ये तो वैसे छोटी है, मम्मी बहुत छोटा लिया। छोटी सी बची है, फेंक के ना मारे मम्मी, वहाँ शीशे में चॉकलेट वाली है। वेरी गुड प्रोनाउंसिएशन, चॉकलेट।
भुक्की नीत की हट यहाँ से। तूने मेरी खाई थी ना वापस, मैंने दे दी। पता नहीं यार देखना, देख तीन बंदे चिपट रहे हैं। कैसे होता है दीदी, थोड़ी सी खिला दो जिसकी पहला खत्म हो जाए तो अच्छा लगेगा। जब मैं अपने दांत वो करवा लूंगी और पूरी एकदम से खा दूंगी। बस एक बार दे दो, इनकी बच्ची है इनकी खा। ठीक बस एक बाइट दे दो दीदी, एक बाइट दे दो प्लीज। मैं नहीं दूंगी, बस एक छोटा सा ना वो क्रिसमस हट तेरा लिया मैंने। पता नहीं कितनी डिसरिस्पेक्ट करती हूं फिर भी मांगने आ जाएगी खाना। बान की कसम ना, पता है तूने मेरे को वो वाली सुन। गुनो अगर पूरी खा ली ना, पूरी इसमें रह भी रहा ज्यादा ला, इधर दे ना कहाँ फेंक लो। आप खा लो बच्ची और आधी पापा को दे देना। आधी आधी चुपके से जीपीएस लगा, जल्दी ट्रैम्पोलिन का रास्ता ढूंढो। हमारा डोल हो गया गाइस, एक बहुत गंदा सीन हो गया। और अभी मेरा ना वहाँ ये भी डर लग रहा है, व्लॉग करते हैं पापा डांटे ना। अरे वाह अभी तो स्माइल करने लग गए यार। 9 बज गए, 9 बजे बंद होना था और हमें रास्ता दिखा रहा था 1 घंटे का, हमें 2 घंटे लग गए यहाँ पहुँचने में। और हम लोग मार्जिन लेके आए थे 1 घंटा एक्स्ट्रा का, बट पता नहीं क्या ही हुआ इतना लेट हो गया। और बीच बीच में जितने भी कट्स दिखा रहे हैं गुड़गांव के, वो एक कट मतलब ऐसा हुआ कितनी बारी तो कि 1 मिनट का रास्ता दिखा रहे हैं और हम पहुँचने वाले टाइम पे हैं, और उसके बाद एक कट गलत ले लिया मैप के थ्रू तो फिर 20 मिनट पूरा घूम के आए। और 2 बार ऐसा हो गया और पूरा टाइम खराब हो गया यार इसी चीज़ में। और पापा तो कह रहे हैं मैं आज के बाद तुम्हारे साथ कहीं नहीं आऊंगा, तुम लापरवाह हो, तुम ये हो, तुम वो। ओ देख पलटी थी कैसे मारी, होते कोई नहीं। अभी तक ये बोल रहे थे तुम लोग ऐसे अपना बैग खो जाते हो, तुम्हारे ट्रेन मिस हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। टाइम पे पहुंच मम्मी आपकी तो 2 बार ट्रेन मिस हुई है। मेरी छोड़, तू आज तक स्कूल भी टाइम पे पहुंची है, तब मैंने घर पहुंचा दे ठीक ठाक। बस हमें या तो जो 1 घंटा है उसको एंजॉय करते हो, लॉन्ग ड्राइव समझ के एंजॉय करते हैं और कुछ अभी हाँ, खाते तो पीते हैं। खुश है लेकिन अब तू घर की तरफ निकल यार, ये मेरे भी रास्ते में ना वो तालाब भी आने हैं जिनसे निकल के आए हैं। जय श्री राम। गुलेज भी तेरे पापा गधा मारेंगे कि चाके मेरे पीछे से ऐसे हो रखे पापा। यार पता है व्लॉग ऑन करने का रीजन ये भी है, मुझे डांटनी पड़ रही है इसके चक्कर में। तुम लोग सोच सकते हो दोनों के दोनों, पापा तो ऐसे चढ़ गए थे। घर तो पहुंचेगी कभी तो फोन बंद होगा। देखो गाइस हम लोग घर पहुंच गए और पता है मम्मी ने और पापा ने, गुन्नू ने भी तब तक कुछ इसलिए नहीं बोला क्योंकि हाईवे था और उन दोनों को लग रहा था क्योंकि मैं रोने लग गई थी हाईवे पे। मैंने कहा मैं आज पहली बार लेके आई तो मुझे डर आ रहे, तो मम्मी और सारे चुप हो गए थे। और वैसे मैं डर नहीं रही थी, मम्मी जैसे चुप हो जैसे कर रही थी मम्मी सुनो चुपचाप चल। अगर मैं इस लेसन से सबक लूं कुछ नहीं, सबक बाद में लियो, पहले घर जाके खाना बना तो आज। मम्मा ऐसे नहीं सुनो ना, मम्मा गाड़ी कहाँ लगाऊं ये बताइए, हमारी गाड़ी इधर सुनो ना। गुनगुन और पापा तो भागे, गुनगुन को पोटी आ गई थी इसलिए चली गई भाग के ऊपर। मम्मा बताओ मैं क्या करूं, हमसे गुस्सा हो गया। मम्मा प्लीज बोलो, ये चीजें मेरे साथ पहले कभी हो चुकी है। नौटंकी कम कर। अरे आपकी कसम एग्जैक्ट सब कुछ, मतलब आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि ये चीज हो चुकी है? इनफैक्ट मुझे ऊपर जाके याद आया कि अभी मैं खाना कुछ बनाऊंगी, मुझे सारा भविष्य दिख गया है। माँ गुलीज इतनी बेइज्जती हो रही है, मम्मी कह रही है तेरा गेटअप इतना सुंदर लग रहा है, बहुत बढ़िया। वहाँ कुद्दे मारने गई थी, अलग ही सीन हो गई यार। वैसे ये सारी चीजें मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, मम्मी कह रही है व्लॉग बना रही है, अपनी बेइज्जती करा रही है। एक बात बताओ ये सारी चीजें सबके साथ हुई होगी ना? गुल्ली कौन बोल रहा है ये ऊपर से, रिटर्न कर ली कैसे तभी बोल रही है इतनी यार। वैसे ये सारी चीजें तो सभी के साथ होती है, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे साथ ही हुई हो। मम्मी को लग रहा है पूरी दुनिया में मैं ये अनोखी बच्ची हूँ जिसके साथ ऐसे काम हुए हैं। खाना बना ले मम्मा प्लीज, मैं मेरे हिप्स बहुत दुख गए हैं, मेरे भी सुन हो गए, फील नहीं हो रहे बिल्कुल, फील नहीं हो रहे। खाना था कि मैं बहुत इंजॉय करूंगी कंफर्टेबल से कपड़े पर, तुम्हें क्या लगता है? मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, इन दोनों को तीनों को लेके जाऊंगी साथ में, पर ये हो सकता है कि कल मम्मी की कुत्ती बचाने वाली वीडियो नहीं बन पाई। मम्मी घर से सोच के गई थी ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, मैं जब इस पे चलूंगी ना मेरी वीडियो बना दियो पीछे से।